तो 6 दशक आपने देख लिया यहाँ पूरा गुजरात में, क्या काम वाम हो रहा है? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। ये आनंद के जो बस स्टेशन है ना, उसे उत्तर प्रदेश में एक भी बस में नहीं मिलेगा। लखनऊ जो कैपिटल है ना, वहाँ भी ऐसा बस स्टेशन नहीं मिलेगा। मोदी साहब को हम वोट दे देंगे, मोदी साहब आवे चाहे ना आवे, हमको नहीं देख पाए। 2002 कांड में एक गाँव में मैं था, सिर्फ अकेला था, और जितने हिंदू भाई थे ना अपने घर में रखे थे। जो हमको वहाँ के हिंदू दिए हैं वो जिंदगी भर याद रहेगा, हाँ ये कुछ आदमी है, इंसानियत में है। यहाँ सब अगल बगल भाग्य बोल बैठे हैं, अपने को भाग्य बोलना पड़ता है। ये भाई इतना हैरान करते हैं ना, इनके पास चले ना तो हम लोग को रहने ना दे। तो चुनाव यात्रा के लिए घूमते घूमते हम पहुंचे हैं गुजरात के आणंद जिले में, और ये जिला देश भर में दूध के लिए जाना जाता है। और इस यात्रा में हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो कि रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन सालों साल से कई पीढ़ियां उनकी गुजरात में ही रह गई। 100 बरस रहते हैं। हाँ, 100 बरस में रहोगे। 100 बरस हमारे माँ बाप का। हाँ, 100 बरस। तो ये बताइए, बिहार में कहाँ से हैं आप लोग? प्रॉपर आरा का हूँ। आरा, प्रॉपर आरा। अच्छा, तो यहाँ कब आपके मतलब पुश्त जो हैं, आपके पिताजी दादा कब यहाँ पहुँचे? मेरे फादर 70 बरस के पीछे जाइए, कितना हुआ? हाँ, 50, लगभग 40 साल से मेरा फादर, 1940 से मेरा फादर यहाँ रहते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली। शौकत जी। हाँ, तो अच्छा, आप लोग कहाँ के हैं? आरा बक्सर, बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। बक्सर। आप? मैं हूँ यहाँ पड़ोसी में, चंदवा जानते हैं, जगजीवन राम का गांव, उनसे उनके 3 किलोमीटर पीछे मैं बामपाली। अच्छा, इब्राहिम। आपका क्या नाम है? इब्राहिम अंसारी। इब्राहिम। अच्छा, आप? ना, मैं तो इधर का यही के बिहारी नहीं है। ना। आपका क्या नाम है? अहमद भाई। अच्छा, अहमद भाई। तो देखिए, ये चाचा जो हैं ये गुजराती हैं, बाकी सब लोग बिहारी हैं। आप ये बताइए, आप लोग क्या सरकारी नौकरी करते थे, व्यापार करते थे, क्या कर रहे थे? व्यापार नहीं, नौकरी था हम लोग। नौकरी के पीरियड में कोई धंधा नहीं चलेगा, कोई भी पक्षी के हम साथ नहीं देखते थे। तो नहीं, नौकरी कहाँ करते थे? नौकरी यहीं पर। हाँ, किस विभाग? BSNL में। आप? मैं BSNL। और आप? मैं भी BSNL में। BSNL। हाँ, तो रिटायर हो गए सब लोग? सब रिटायर हो गए। हाँ, वो सरकार ने जो अभी नियम निकाला ना कि सामने से आप वॉलंटरी ले लो रिटायर, तो वो वॉलंटरी रिटायर में। अरे आप इधर आइए ना, क्या नाम है आपका? जाकिर से। हाँ, आप BRS ले लिए? BRS ले। कितनी उम्र है? कितनी उम्र? मेरा 38 है। 38? 48। तो BRS का लेना पड़ा? तो ये बताइए, आप लोग, आपकी पीढ़ियां जो हैं बिहार छोड़ के क्यों गुजरात आ गई? हमारे फादर ही टेलीफोन में थे, रेडियो में सब। ये आप कुछ गलत बोल रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश और से बहुत स्टेट है, वहाँ पर बेकारी ज्यादा है। वो बेकारी के चलते उम्र नहीं देते हैं कि हमारा 22 उम्र है कि 24 उम्र है कि 17 उम्र है, अपने पेट पालने के घर आ जाते हैं। वही पेट पालने के लिए अभी आदमी क्या है कि अपना जब सीट पकड़ लिया, कैसे कर्म से पकड़े कि कैसे पकड़े, मजदूरी करे कैसे पकड़े, उसी के चलते यहाँ पर आदमी आए। शौक से नहीं आए, मजदूरी से आए। पहले के यहाँ के लोग मजदूरी करना नहीं समझते, अभी भी। अच्छा, गुजराती मजदूरी नहीं करते? एकदम नहीं। इसके लिए हम लोग आया कि यहाँ मजदूरी किया, नौकरी लग गया। टक आदमी ऐसा है कि धंधे वाले हैं। गुजरात किसे प्रसिद्ध है? बिजनेसमैन, नौकरी नहीं है। लेकिन अभी क्या कि 10-5% आदमी नौकरी खोज रहे हैं, बाकी तो आपको मिलेंगे बाहरे वाले। हमको लगता है गुजरात में कोई भी स्टेट नहीं होगा कि वहाँ आदमी यहाँ नहीं होगा। गुजरात में जितने 27 स्टेट है ना, 28 स्टेट, कोई ना कोई तो मिलेगा, चाहे क्लास 1 ऑफिसर हो कि 2 हो कि लेबर हो, जितने हैं सब बाहर वाले आके बस गए। बस गए। अच्छा, बिहार जाने का मन नहीं करता आप लोग का? करता है। लेकिन अब क्या चॉइस की है, क्यों नहीं जरे, वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। समझाइए ना। जैसे कि हम लोग वहाँ देश में जाते हैं, देश में गए हैं, अब वहाँ पर भाई भाई लड़ रहे हैं धन दौलत के लिए। हाँ, उसमें कहेंगे अपने यही सेंसर हो ना, सुकून से यहाँ नहीं लड़ते हैं? नहीं, नहीं लड़ते। अच्छा,
अच्छा। जितना सुकून चैन से यहाँ पर है ना, भले यहाँ के गुजराती भाई हैं लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, उतना देश में नहीं सपोर्ट करेगा। बिहार में लड़ाई बहुत होती है, थाना कचहरी हो गया, खेत का लड़ाई चल रहा है। मान लिया कि अब यहाँ से कमा के गए हैं, भाई के पास मांग मटर आया है, अपहरण करा दो, अब पैसा खींच लो। अच्छा, पड़ोसिया करेगा? अच्छा पड़ोसिया करेगा, यहाँ पर ये चीज नहीं है। यहाँ पर यहाँ से मजदूरी करने वाला भी सुख से रहता है, और वहाँ पर जो 20 बीघा होगा 50 वो नहीं सुख से रहेगा, तो अपहरण हो जाता है। पढ़ ही लेते हैं सर, आपको तो सर मालूम है, ऐसा है खुद आपको गोरखपुर में चलता है। हाँ। गोरखपुर में चलता है सर, मतलब यू कह रहे यूपी बिहार सब जगह ये हो रहा है। ये बताइए कि आपका यूपी के कितना परसेंटेज गुजरात में है? हाँ। अब बताइए, आप बताइए। हमको नहीं मालूम है, बहुत लोग हैं। ना आप तो मीडिया से हैं, तो मीडिया का जो हमको नहीं मालूम होगा आपको मालूम होगा। तो आपको उत्तर प्रदेश के जो है कितने टका ही गुजरात में पड़े हैं? है, बहुत लोग हैं। मिनिमम परसेंटेज हम कैसे बताएं? अच्छा, क्लास 1 क्लास 2 लेबर सब लोग। अच्छा, है कि नहीं? तो कि वो भी बहुत आदमी वो भी यहाँ बस गए हैं, क्यों बसे हैं? तो सही बताइए, मतलब ये कह रहे हैं बिहार में लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ सुकून से है। हाँ? तो मतलब कम पैसा भी कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है, कोई पड़ोसी भी हमको साथ देता है, अगर कोई मैयत होगा तो वही पलाएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो, ये धर्म वाला झगड़ा भी नहीं है? नहीं है, नहीं। ये आनंद का माहौल अच्छा है, दूसरा जगह हम नहीं जानते, आनंद के माहौल अच्छा है, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि आप लोग कितने साल, मतलब आप तो पूरी जिंदगी आप लोग गुजार दिए, रिटायर हो गए मैंने 60 साल से ज्यादा है, तो 6 दशक आपने देख लिया यहाँ पूरा गुजरात में, क्या काम वाम हो रहा है? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, बढ़िया काम हो रहा है। आप बताइए। हम देखिए, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम तो काम पूछ रहे हैं, नहीं जाएंगे। जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार है उसके राह में ठीक, बहुत अच्छा है, एक ही बात है, काम हम हो रहा है ना? हाँ, काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनका भी लड़का नौकरी करता है, इनका भी लड़का नौकरी करता है, हमारा भी लड़का नौकरी करता है, इनका लड़का नौकरी करता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग को पेंशन आता है, खाते बस्ती में रहते हैं, रिटायरमेंट सब हम यहाँ आके बैठते हैं, ये सब कोई भी दुकान वाले से आप लोग पूछ सकते हैं। इसलिए क्या है कि मोदी साहब को हम वोट दे देंगे, मोदी साहब आवे चाहे ना आवे, हमको नहीं देखना है। मतलब मोदी साहब पे भरोसा है? हाँ, बस उनको ही वोट दे देंगे और किसी को नहीं देंगे, वो आवे चाहे ना आवे। अच्छा, उनके छत्रसाय में तो हम लोग रहते हैं, यहाँ उनका ही गुजरात है ना। किसका है? गुजरात गुजरातियों का है, मोदी जी भी गुजराती नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गुजराती हम लोग हैरान नहीं करते, कभी नहीं हैरान करते। 2000 के दो कांड में है ना, 2002 कांड में एक गाँव में मैं था, सिर्फ अकेला था, और जितने हिंदू भाई थे ना अपने घर में रखे थे। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, जरा बताइए ना, उस दिन क्या हुआ था? 2002 में कांड जो कुछ हुआ वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो हमको वहाँ के हिंदू दिए हैं वो जिंदगी भर याद रहेगा, हाँ ये कुछ आदमी है, इंसानियत में है। नहीं, उस दिन जैसे दंगा हुआ जब आपके गांव में भी कुछ लोग आ गए होंगे, तो क्या हुआ था फिर? अरे वो तो बहुत कुछ, बहुत महत्व, वो तो SRP CRP मिलिट्री गिरा दिया था। हाँ, आप अकेले थे गांव में? हम अकेले थे, वहाँ से अप डाउन करते थे यहाँ आनंद के लिए, नौकरी करने के लिए, 10-12 आदमी हम लोग थे, सिर्फ मैं अकेला, बाकी सब आदमी, लेकिन हाँ आने का जाने का कोई तकलीफ नहीं, गांव में घूमने का कोई डर नहीं। तो गांव के हिंदू लोग आपको अपने घर में रखे? हाँ हाँ। परिवार में कौन कौन था आपके? हमारा पूरा फैमिली, फुल फैमिली। अच्छा। हाँ, लड़के बच्चे सब वहीं पढ़ते थे हाई स्कूल। डर वर लगता था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई को पूरा 100% हमको सपोर्ट था उन लोगों का, सपोर्ट था, इसलिए हमको डरे नहीं था। छोटा बेटा गांव में थे, जब धमाल हुआ तो गांव वाले ही इनको छोड़ने यहाँ आए हाईवे पर, और मैं इनको रिसीव करने गया, ले गांव वाले सब लोग अच्छे होते हैं। खुद का ट्रैक्टर लेके आया, अपना खुद का ट्रैक्टर ले आया, हमारे सामान हमारे खाई पे उतार दिया, बोले अंसारी भाई तुम चल जाओ। वो ऐसा आदमी था ना, कहने लायक नहीं, एक तरह का वो आदमी था ना, देवता ही समझिए उसको, पूरे गाँव के बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, पूरे गाँव के, तो ये 20 साल हो गया, 20 साल में गुजरात बदल गया कि नहीं? बहुत बदला है, बहुत बदला है, बहुत कुछ बदल गया, बदलेगा,
बदलेगा। क्या बदलेगा है? क्या उम्मीद है, क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। ऐसा तो आप देखिए सामने देख रहे हैं क्या क्या है क्या नहीं। अभी कहीं के भी बस एक एक सैकड़े में दो ही एक बस स्टेशन मिलेगा, तनिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाकी जाके देखिए बस स्टेशन वहीं का भी देखिए, वो चाहे उत्तर प्रदेश में है नहीं मिलेगा। ये आना के जो बस स्टेशन है ना, वो चाहे उत्तर प्रदेश में एक भी बस नहीं मिलेगा। लखनऊ जो कैपिटल है ना, वहाँ भी ऐसा बस स्टेशन नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। क्या कहूँ तो ना, वो भले अभी आज के डेट में जितने ऑफिसर ये क्या बोलते हैं, अरे हरिश्चंद्र बनते हैं, हरिश्चंद्र नहीं है। चाचा आप कहाँ सन्नाटे में, कुछ बताइए ना। ना ना मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, ना मैं कम बोलता। हम भी कम बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। आप लोग से तो बोली ले रहे हैं। आपका मीडिया है ना, मीडिया तो कल भी आधी छपेगा, अभी 5 मिनट को छप जाएगा कि कौन किसका भाषा कैसा है। अभी मीडिया छप जाएगा कि हम, हमारी सोसाइटी 40 बरस की है, बिस्मिल्ला सोसाइटी आनंद की, भालेज रोड नियर ओवर ब्रिज, 40 बरस की सोसाइटी है। एक साइड कॉम्प्लेक्स है, एक साइड घर है सोसाइटी, बीच में करीबन 30 फुट की नाला बहती है। कितने बार मतलब कि वो लोग आए बोले तुम्हारा पास हो गया, आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन हम लोग यहाँ, हमको रहते 20 बरस हो गया, 20 बरस से कोई नहीं आया यहाँ। यहाँ कांग्रेस के अभी सोढ़ा परमार आए थे देखने के लिए, तो हम लोग बोले कि चलिए हमारे सोसाइटी में भी देख लीजिए, तो बोले कि बाद में कभी आ जाऊंगा देख लूँगा, लेकिन कोई सुनता नहीं वो सोसाइटी के लिए। हम लोग अपना आज करीबन 10 बसेस करीबन हम लोग रोड में, रास्ता में या गटर में 25,000 रुपया में खर्चा कर दिया अपने घर से आने जाने के लिए। नेताओं तो सुनते नहीं है, कोई कोई नहीं सुन, किसी पार्टी का, किसी पार्टी का। तो ये बताइए, जब इस तरह की दिक्कत होती है कि नाला बह रहा है, कोई बना, वोट हर साल देते हैं, किसी को हम लोग बहिष्कार नहीं करते हैं। आप चलिए, हम रिक्शा में चलते हैं, रिक्शा में यहाँ जाते हैं, चलिए। ये बने बने आप पीडीए पे दे दिए तो अच्छा रहेगा। आज आप रूज को जाहिर कर दीजिए, हम लोग चाहते थे कि कोई आए सोसाइटी में, अब आ गए तो देख देख लीजिए चल के, उसको दे दीजिए मीडिया में, तो आपके चलते हम लोग का कल्याण हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि नाला जो है ढक जाए, गटर हो जाए, आने जाने की सर पानी की सुविधा हो जाए। अपने पैसे से उसी गटर में हम लोगों ने एथी पाइप डाला, अपने पैसे से एक बरस हुआ। रोड के लिए वायदा करते हैं कि इस बार हो जाएगा, कल होगा, परसों हो जाएगा, करीबन 6-7 बार खाली मापनी करके गए, लेकिन आता कोई नहीं है देखने। आजकल की सोसाइटी चकाचक हो गया, हमारा 40 साल का सोसाइटी ऐसे ही पड़ा है। तो जब नेता आते हैं तो आप लोग नहीं बोलते हैं कि यार हम वोट नहीं देंगे आपको क्योंकि आपने काम नहीं करा? बहिष्कार नहीं कि मैं आपको नहीं देंगे। एक नेता को मैं बोला वोट मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ, तो लगभग 10 साल झगड़ा चला मेरे को। काहे? हम आपको बोल दिया वोट नहीं दूंगा आपको, इसके लिए 10 साल झगड़ा चला राइस खान से, 10 साल मेरा पर्सनल झगड़ा चला उसके साथ। अच्छा हाँ, तो इस बार क्या माहौल है? अब तो फिर चुनाव आ रहा है, फिर नेता आएंगे, फिर बात करेंगे, फिर आप लोगों से पूछेंगे। बोलते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वो बोलते हैं कि हो जाएगा। अब हो जाए तो झाड़ू, आप कह रहे हैं झाड़ू आएगा? हाँ तो वो जानते हैं तो। अच्छा, ये बोल रहे हैं आम आदमी वाले आएंगे, बड़ा वादा वादा किए हैं कि मैं बोला ना कांग्रेस हम देते हैं ना, तब जीते खा रहा भाजपा में चले जाते रहे, माल मटाई मिलता है पता चल गया भाजपा में। अभी मीडिया ला, अभी की मीडिया ला बता है कि 65% चल गए भाजपा में अभी इलेक्शन में, उनको देने क्या फायदा है? हम डायरेक्ट भाजपा में नहीं देते, भाजपा अब डायरेक्ट भाजपा में देते, वह छपला लेके उसको देता हूँ तो वही उसी में जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है? अब ये हम नहीं बता सकते, मैंने यही आप सुनते हैं? हाँ, ये तो अभी तो सब वही बता रहे हैं कि ईवीएम गलत, कोई बताता है कि 5 वोटिंग दूसरे पड़ाता है, किसी बाद में भाजपा पढ़ने लगेगा, अब कुछ तो खामी है। ये सब कहाँ सुनते हैं आप है? कहाँ सुनते हैं? देखिए हम इंजीनियर नहीं हैं, इसके बारे में हम आगे नहीं जा सकता, लेकिन जो इंजीनियर है वही सब बता रहे हैं और सब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी तो मीडिया से या ये पब्लिक बोल रही है, नेता लोग बोल रहे हैं कि ऑन पेपर में वोटिंग कराओ,
ये महाराज ये बताइए, अगर ईवीएम में इस तरह होता तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी आ गई, वहाँ कौन ईवीएम सेट किया, दिल्ली में कौन ईवीएम सेट किया? ये नेता लोग है, पब्लिक इसमें हाथ नहीं है, वो नेता लोग बोलते हैं अपने फायदे के लिए बता रहे हैं। कोई भी नेता है अपने फायदे के लिए, क्या लेना है जाके वोट डालेंगे, अब बाबू वोट कहाँ गया वो समझेगा, लेकिन वो तो मालूम है ना कि यहाँ के इतना परसेंटेज वोट इसमें गया है और उतना नहीं, फिर बोले बेटियों में गलती है। और ये जो बता रहे हैं अभी भी हमको लगता है ना कि 75-73 का जो दादागिरी चलता था अभी भी है, किसका दादागिरी? वोटिंग नहीं डालने देते हैं अभी भी है। ऐसा होता है क्या यहाँ? यहाँ नहीं होता है, दूसरा जगह होता है। अच्छा, गामड़े में होता है, छोटा छोटा गांव होता है ना, उन लोग होता है तो वोट नहीं डालने देते, नहीं तो घूम जाते हैं रिक्शा में, चलते हैं अभी रिक्शा में जाकर आते हैं, चाय वही पियेंगे, पांच पी के फिर यहाँ रिटर्न आते हैं, चल रहे हैं। कौन से रिक्शा? बैटरी ये रिक्शा बैठ टेम्पो में? कितना दूर है? नजदीक है, बहुत दूर नहीं, फिर रिटर्न यही आते हैं। ये बने बने आप इतना हम लोग को पालक कर दीजिए, मीडिया पर दे दीजिए, अच्छा रहेगा, फायदा हो जाए ना, आप अपने आदमी हैं, सब अगल बगल भाजे बोले बैठे हैं, इसलिए अपने को भाजे बोलना पड़ता है, किसको देना ना देना वो तो अपने मर्जी, तो खुल के बोलिए ना महाराज। हाँ खुल के बोलिए, देखिए अगल बगल सब भाजे बोले खड़े हैं पीछे, ये सब अपने वाले, तो धीरे धीरे बोल दीजिए, धीरे धीरे कोई नहीं सुनेगा, चले चलते रिक्शा में, चलिए। अच्छा मतलब यहाँ से हट जाएं? नहीं चलिए तो चलते हैं, चलिए 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 रिक्शा में, चाचा के साथ बिस्मिल्लाह सोसाइटी घूम के आते हैं, तो चलिए जरा चाचा की शिकायत है और इनके साथ जरा बिस्मिल्लाह सोसाइटी घूम के आते हैं। ये भाई है ना पलटू लोग है, किधर पलटे का भरोसा नहीं। हाँ क्या क्या कैसे पलटू है? पलटू अच्छा, तो आप मतलब इसलिए इस तरफ आइए, जरा सोसाइटी चलिए आइए भाई। अब देखिए चाचा जो है हमको अपनी कॉलोनी ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने चाचा घुमाए, आप बताइए खुल के जरा। यहाँ क्या है, हम परदेसी आदमी को तो त्रास तो बहुत है, हैरान तो करने वाले बहुत करते हैं, फिर आप किसे बताइए तो आप बताइए किसे है तो आपको पता चले। हम मीडिया वाले हैं, ललन टॉप है। हाँ ललन टॉप, आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, आप खुल के बताइए। अब आप अभी तक तो आप कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, अब खुल के बताइए। यहाँ सब खड़े थे ना, हाँ इसके लिए तकलीफ है, अब यहाँ गुजराती लोग सब रहना है साथ में, तुमको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तकलीफ है। हैरान करते हैं, अब तो हम और आप हैं, मियाँ भाई इतना हैरान करते हैं ना, इनके बस चले ना तो हम लोग को रहने ना दे, बिहारी लोग को। हाँ तो मियाँ भाई के खिलाफ है। हाँ यहाँ के, इनको जलन है कि बाहर वाले आकर नौकरी ले लेते हैं और हमको नौकरी नहीं मिलता है। अभी तक तो हम बाहर रहते हैं, हम तो गुजरात में नहीं रहते हैं, सुनते थे हिंदू मुस्लिम में दिक्कत है, आप तो कह रहे हैं मुस्लिम में भी दिक्कत है, बहुत है। अच्छा तो परेशान कैसे करते हैं? परेशान कैसे करते हैं? परेशानी क्या है, बातों बात में झगड़ जाएंगे, मारामारी कर देंगे। ये तो हम लोग क्या पुलिस के सहारा लेते हैं तो हम लोग बच जाते हैं। अच्छा। हम लोग पुलिस के सहारा नहीं लेते हैं और नहीं बोलते हैं, हम तो सामना हो जाते हैं। हमारे एक लड़का डॉक्टर है, हार्ट अटैक का डॉक्टर है, अभी सुबह में 2 बजे गया बॉम्बे, वो कंपनी से प्लेन आती है, प्लेन में जाते हैं, टिकट भेजते हैं वो लोग। तो मतलब हम थोड़ा हैरान इस बात पे हैं, हमको लगा कि आप बोले भाजपा वाले खड़े हैं, हम खड़े थे पीछे, तो वो भी मियां भाई हैं। हाँ अमुक लोग क्या है पैसे के लिए पलट जाते हैं, या तो सोसाइटी में कोई एक आगे बन रहेगा ना, पैसा ले लेगा भाजपा से कांग्रेस से लेके बैठ जाएगा, इसलिए हमारा सोसाइटी विकास नहीं होता है। तो आपके सोसाइटी में सब यूपी बिहार वाले हैं क्या? सब मिक्सर है लोग। अच्छा मिक्सर, आप देखिए तो मालूम पड़ेगा, ये बने बने हमारा घर देखिए, हमारा रहन ठहन देखिए, सब देखिए। तो ये बताइए भाजपा की सरकार है 27 साल हो गया, तो भाजपा की सरकार ये मैं बोलता था ना, ये लोग हमको बोलने ना दिए, सारे लोग है ना, हम बोलता हूँ तो चलो आपके साथ थे सब, साथ भले है, मैं बोलूंगा तुमको जल मत बोलो। अब खुल के बोलिए, अब ना अंसारी साहब है ना दूसरे लोग हैं, अब खुल के बोलिए, अब हम है ललन टॉप है।
बताइए, क्या बोलूँ, पूछिए ना, आपको बता रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, 27 साल से भाजपा की सरकार है, आम आदमी पार्टी वालों का अपना दावा है कि हम ये कर देंगे, कांग्रेस का अपना दावा है कि परिवर्तन होने वाला है, क्या लगता है आपको? कोई विकास गुजरात में नहीं है, ये बात तो पक्का है। इन लोगों के एरिया में है जो, इन लोग मतलब जो हिंदू कास्ट है ना, इन लोग के एरिया में विकास है, और विकास दूसरा जगह नहीं है। मतलब, और हम छोटा छोटा गांव में जाते हैं ना तो लोग को, हिंदू मुसलमान लोग को खाने से भी फाफा है। अच्छा, बढ़िया खाना नहीं मिलता लोग को। लॉकडाउन में मैं हर महीने मेरे जेब से 5,000 रुपये के लोग को मदद करता था, क्या करूँ, लोग मोहताज थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है? स्थिति नहीं है, फिर भी मुसलमान आपस में लड़ते हैं? हाँ लड़ते हैं। अच्छा, मुसलमान को तो बिल्कुल, इसके लिए वो धमाल क्यों हुआ था गोधरा कांड में, क्यों? ये लोग खुद करवाए थे यहाँ के हिंदू लोग। अच्छा, मोदी को जिताने के लिए वो गंभीर आरोप लगा रहे थे। हाँ, नहीं हकीकत बात है। हम लोग तो यही थे, गोधरा यहाँ से नजदीक है ना, बहुत दूर नहीं है, हम तो बाइक से यहाँ से जाते हैं, 2 घंटा 1.5 घंटे में गोधरा पहुँच जाते हैं। इस बार क्या रहेगा चुनाव में? इस बार तो कोई आम आदमी बोलता है सब पार्टी आते रहते हैं, मैं तो सबको क्या बोलता हूँ, मैं तो भाजपा वोट दे के छूटा हो जाना था, आवे चाहे ना आवे वो जाने। मतलब आप सब पार्टी वालों को बोल देते हैं भाजपा को? हाँ, भाजपा के दे दो। नहीं, हम नहीं दूसरे को बोलेंगे, हमारे घर वाले को ही बोलेंगे। अच्छा, हाँ देंगे जिसको मर दूंगा। हाँ मतलब बोलेंगे कि भाजपा को देंगे और देंगे जिसको मर दूंगा। हम तो शायद दे ही देंगे भाजपा। अच्छा, क्योंकि बहुत से भाई बहन है ना पटेल लोग, भाजपा वाले मेरा दोस्ती है। अच्छा, तो मुसलमानों के भाजपा को देंगे, इसलिए हम गद्दारी हम नहीं करेंगे, जो हमको हमेशा साथ देता है, हमको साथ देता है, आपको तो नहीं ना, यह तो ऐसा माहौल है। तो मतलब आप दे देंगे, आपके घर वाले? घर वाले सब दे देंगे, दे देंगे। हाँ दे देंगे। और मियाँ भाई लोग? देखे देखे केजरीवाल साहब की फोटो लग गई। केजरीवाल को बोला क्या लिखा है जरा बताएंगे क्या? हाँ मालूम है जाए क्या लिखा वो केजरीवाल को? देखिए यहाँ से ये ऊपर भी चालू है ना। हाँ। यहाँ से घूमेगा तो यहाँ ये हमारा सोसाइटी चालू होगा। अच्छा भाई, घूमना है भाई? हाँ वो तो मालूम है उनको, सब पता है। अच्छा, उनको पता है। क्या लिखा है चाचा? कि एक बार मौका दो केजरीवाल को। अच्छा, एक मौका केजरीवाल, तो ये कह रहे हैं कि दे देंगे, वादा नहीं, दे देंगे। दे देंगे कब देंगे? अब की अब की अरे आप तो बहुत पलट रहे हैं भाई, उसको उस कैमरा को मत बताइए, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं। लेकिन आप तो पलट गए, आप समझते नहीं, आप कैमरा बताइएगा ना, हम लोग सरकारी आदमी है, पेंशन खाते हैं, मिलता है, कोई ऐसा लफड़ा हो जाएगा तो पेंशन भी बंद हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि मोदी साहब को दे देंगे, आप कह रहे हैं कि एक मौका दे देंगे केजरीवाल को। चलिए ना, अभी चलिए सोसाइटी में, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से ओवर ब्रिज के नीचे ये सब जंगल था पहले। अच्छा, ये अभी धीमे 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 ये सब बच गया। वो मीडिया वाले हमेशा आते रहते हैं, समय बाजार में मिलते हैं, तो अपने क्या बोलने का, यही से और जाओ। हाँ, तो ये हमको समझ नहीं आता है, वोटर इतना चलाक होता है कि बोलता कुछ है करता कुछ। हाँ, मगर यहाँ का पब्लिक ऐसा है ना, नहीं बोलता हूँ कि एक म्यूनसिपाल्टी वाला इलेक्शन वाला आया था ना, उनको वोट नहीं दिया, मैं ना बोला कि तुमको वोट हम नहीं देंगे, हमारा रास्ता ठीक है, 10 साल झगड़ा चला मेरे को। वो तो आप बताए हैं, सब सोसाइटी में जानते हैं, वो रईस खान थे उनका नाम, और यूपी कई थे। हाँ, तो अभी अच्छा ये रोड वगैरह थोड़ा दिक्कत है यहाँ, ये रोड ये तो अभी सोसाइटी में घुसे, अभी ये दूसरा सोसाइटी, हमारे सोसाइटी नहीं, यहाँ तो थोड़ा ठीक है। यहाँ से अंदर आपका सोसाइटी आ जाएगा, वो देखिए वो मस्जिद है यहाँ का। हाँ, तो यहाँ तो आबादी बहुत है। हाँ देखिए ना, बहुत आबादी आई थी। हाँ, इधर इधर ही तो यहाँ पे भाजपा वाले वोटर मांगने आते हैं। इधर ही लगा दो रिक्शा उक्शा, इधर साइड में लगा दो। ये क्या बन रहा है, भंडारा? भंडारा बन रहा है भैया, जरा भंडारा भी देखें, काहे का भंडारा है ये? टोटल बिस्मिल्लाह सोसाइटी।
अच्छा ये काश देखिए सब आइए का हो कह रहा है खाना बन रहा है दावत है सबको। अच्छा तो ये नाला बोल रहे थे आप ये सब नाला बोल रहे कच्चा है ये सुने सर बिरयानी बिरयानी लाया हूँ आप बता दो काहे के लिए आज काहे की पार्टी है ये हमारे वो क्या बोले प्रसादी करते हैं नियाज करते हैं सब आएगा ना समाचार में भाई को बोल देना ऐसे एक चाचा हमको ले आए हमको ये बता रहे थे कि यहाँ कॉलोनी में बहुत दिक्कत है क्या क्या दिक्कत है दिक्कत तो क्या गटर लाइन नहीं है खराब और पीने का पानी खराब आता है 30 साल जूनी सोसाइटी आजू बाजू की सब सोसाइटी में सब काम हो गए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है तो किसको आप लोग मतलब आप नेताओं को बोलते होंगे ना कि भाई बनवाओ सब आते जाते हैं सब आश्वासन देके चले जाते हैं कुछ करता नहीं कोई अच्छा तो ये कॉलोनी जो है अप्रूव्ड है फिर भी लोग आते हैं बोले हो जाएगा फिर कोई करता नहीं है काम इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं तो प्रशासन ही जिम्मेदार है ना जी कुछ कह रहे थे आप अच्छा आप बोल रहे थे हाँ बोलिए बारिश का पानी भी सब पूरी सोसाइटी में भरा हुआ होता है पानी का कोई निकाल नहीं है बार बार प्रशासन से बोलते हैं पर कोई ध्यान नहीं देता है यही चलता है इस बार चुनाव में क्या रहेगा मुद्दा बनेगा ये सब चुनाव वालों को मुद्दा बना के करेंगे क्या काम तो कोई कर नहीं रहा है तो चुनाव इसीलिए तो होता है कि जो काम ना करे उसको हटाओ किसी नए को मौका दो तो कुछ बदलाव क्या सरकार बनेगी देखते हैं काम होता है कि नहीं किसकी सरकार बन रही क्या पता अब माहौल किसका ना समझ में आ रहा है किसी का माहौल नहीं लग रहा आनंद सिटी में किसी का माहौल नहीं लग रहा जो भी काम करेगा उसको वोट मिलेगा काम करने की जिम्मेदारी लेगा उसको वोट मिलेगा जो भी आएगा भैया चलो हम लोग ये काम करने वाले हैं आप हमको दीजिए तो वोट उनको मिलेगा बाकी ऐसे तो कोई जिम्मेदार आदमी है ही नहीं है आनंद में किसी का भी पक्ष नहीं आ सकता तो मतलब इस बार विकास भी एक मुद्दा होगा और देखिए मेरे साथ हबीबुल्ला सोसाइटी के कुछ लोग हैं और चाचा बिस्मिल्ला सोसाइटी के लोग तो इन लोगों की शिकायत ये है कि कॉलोनी में ना रोड बनी ना सीवर लाइन बिछी और ना ही यहाँ पे साफ सफाई की कोई व्यवस्था है नेता आते हैं जाते हैं वायदे करते हैं लेकिन इन वायदों के बीच में जो एक सच्चाई है वो ये कि यहाँ काम तो वाकई नहीं हुआ है उम्मीद है कि एक नई सरकार आएगी लोगों का काम करेगी और फिलहाल चाचा आप क्या नाम बताए थे मेरा नाम शौकत अली साहब को हम धन्यवाद कहेंगे कि जिन्होंने हमें चौराहे से यहाँ तक की यात्रा भी करा दी और बहुत कुछ बताया ऐसा कुछ बताया कि आपको भी मज़ा भी आया होगा और सच्चाई भी पता चली होगी तो ये गुजरात की सच्चाई है चलते हैं ज़रा आनंद में कुछ और इलाकों में घूमेंगे देखेंगे जानेंगे समझेंगे और लोगों का मूड भापेंगे फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जरी को इजाज़त दीजिए धन्यवाद।